मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा फर्स्ट इंग्लिश में आज हम फर्स्ट क्लास को बर्ड्स नेम यानी पक्षियों के नाम के बारे में बताएंगे। जैसे नंबर एक पे हम लिखेंगे, आप ध्यान से देखिएगा लाइनों का प्रयोग कैसे करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर एक पे है आउल, ओ डब्ल्यू एल, आउल। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल का मतलब क्या होता है? उल्लू। नंबर दो पे है क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो, सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। क्रो का मतलब क्या होता है? कौवा। उसके बाद में हैन, नंबर तीन पे हैन, एच ई एन हैन, एच ई एन हैन। हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। एच ई एन हैन। हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। एच ई एन हैन। हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। एच ई एन हैन। हैन का मतलब क्या होता है? मुर्गी। डक, डी यू सी के, डी यू सी के, डक। डक का मतलब क्या होता है? बतख। डक का मतलब क्या होता है? बतख। डी यू सी के डक। डक का मतलब क्या होता है? बतख। ओ डब्ल्यू एल आउल। आउल यानी उल्लू। सी आर ओ डब्ल्यू क्रो। क्रो यानी कौवा। एच ई एन हैन। हैन यानी मुर्गी। डी यू सी के डक। डक यानी बतख। तो इंग्लिश में आपको इन पक्षियों के नाम लिखना है, उतारना है और इनको याद करके लिख करके देखने का प्रयास करना है। अब आते हैं गणित में। गणित में सवाल लिखते हैं, एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है। तो ऐसे ही 10 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करो। एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपया है, तो ऐसे ही 10 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करो। यानी हमें एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है, ठीक है ना। एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है 4 रुपया, और अब हमें क्या करना है? 10 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है 4 रुपया, 10 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान से रखें कि जब आपको एक वस्तु का मूल्य दे करके ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य पूछा जाए, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? गुणा करना होता है। एक वस्तु का मूल्य दे करके ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य हमसे पूछ लिया जाए, तो हमें वहाँ पे क्या करना होता है? गुणा करना होता है।
और ज़्यादा वस्तुओं का मूल्य दे करके एक वस्तु का मूल्य पूछ ले तो हमें वहाँ पे भाग करना होता है। तो यहाँ पे हमें एक वस्तु का एक पेंसिल का मूल्य दे रखा है, ज़्यादा का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हल करते हैं सवाल को, पहले पहले लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, ₹4, कितना दिया हुआ है, ₹4 दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, 10 पेंसिलों का मूल्य, तो लिखेंगे 10 पेंसिलों का मूल्य बराबर, 10 पेंसिलों का मूल्य बराबर, 10 पेंसिलों का मूल्य ज्ञात करना है, तो 10 में क्या करेंगे, 4 का गुणा कर देंगे, क्यों, क्योंकि 10 पेंसिलों का मूल्य निकालना है और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, ₹4 है। तो यहाँ हम 10 में 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का पाड़ा 0 बार बोलोगे तो 0 ही आएगा, 4 का पाड़ा 1 बार बोलोगे तो 4 आएगा, 4 एकम 4, यानी गुणा करने पे क्या आ गया, 40। तो 10 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, ₹40 हो गया, 10 पेंसिलों का मूल्य कितना हो गया, ₹40 हो गया। हमें एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ था, हम 10 पेंसिलों का मूल्य निकाले हैं। तो पहले आप लोग इंग्लिश में वर्ड्स नेम को समझ समझ करके याद करोगे, उतारने के बाद उसके बाद सवाल को समझोगे, सवाल किस प्रकार से हल कराया हुआ है, और इसी सवाल को आप दोबारा से अपने आप करने का प्रयास करोगे, और उसके बाद देखोगे कि आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया, मीनिंग को भी आपको अपने कॉपी में उतार करके याद करना है और उसके बाद लिख करके चेक करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।